दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में ये सैनफोर्ड का टॉर्च है दोस्तों। इसका जो चार्जर है दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है, चार्ज नहीं कर रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम और ये दिक्कत है। तो इसी को आज ठीक करके आपको दिखाएंगे। अगर आप इसको ठीक करना सीख लेंगे तो आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है, ना फेंकने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में यही दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम मेन पावर देंगे सीरीज़ वाला, और सीरीज़ वाला पावर देके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं दोस्तों, इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ से पावर जा रहा है, यहाँ से बिल्कुल ओके है, और इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से इसका पावर निकाल लेंगे, और पावर निकाल के इसको खोलेंगे, खोल के इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ से ऊपर का कवर हटाएंगे, और ये जो प्लेट है, किट है, यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ तो कुछ कोई फॉल्टिंग नहीं दिख रही है, तो फिर इसको यहाँ पर हम पावर देते हैं, वही सीरीज़ वाला, सीरीज़ में चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ सीरीज़ पर पावर दिए, और मल्टीमीटर से यहाँ पे एसी वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। और इसको यहाँ पे जो मेन पावर है, यहाँ पे जो सप्लाई आती है, यहाँ पे पावर आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। और इसमें यहाँ पर एक छोटा सा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, इस पर पावर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये छोटा सा फ्यूज़ के तौर पर लगाए जाते हैं ताकि किट सेफ्ट रहे। तो ये जो फ्यूज़ है, ये दोस्तों ख़राब हो गया है। तो यहाँ से आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं फ्यूज़ को। तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो इंडिकेटर जल गया, देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडिकेटर ऑन हो गया, ये वर्क करने लगा। इसी कारण दोस्तों ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ख़राब हो गया था, इसके कारण ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ से जो ये है छोटा सा, इसको निकालेंगे, और निकाल के नया लगा के आपको दिखाते हैं। तो इसको यहाँ से शोल्डर्स के ये लेग जो है, दोनों लेग को यहाँ से बारी बारी बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के इसको टेस्ट करके भी आपको दिखाते हैं मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये फ्यूज़ वाला होता है। तो मल्टीमीटर से कंटिन्यू मोड पर इसको चेक करेंगे, तो ये शो नहीं कर रहा है। अब इसमें नया वाला, ये बाज़ार में आपको बहुत मात्रा 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया तक का मिल जाएगा। तो इसको चेक करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ओके, बिल्कुल रेडी। तो इसको लगा के आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको जो जगह है इसमें डाल लेंगे, और इसको सेट करके, और इसको शोल्डर से अच्छी तरह से दोनों लेग को जोड़ देंगे, ताकि कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो, अच्छी तरह से जोड़ेंगे। और इसका जो लेग है बड़ा है, इसको कट कर लेंगे, और कट करके इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे बोर्ड को। और यहाँ से इसको बैठा लेंगे बोर्ड को अंदर, और वायर सीधा कर लेंगे, और ऊपर का ये जो कवर है इसको लगा के अच्छी तरह से यहाँ पे बैठा लेंगे। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे सीरीज़ वाला पावर देंगे फिर, और यहाँ से पावर देके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से जैसे पावर देंगे दोस्तों, ये इंडिकेटर ऑन हो गया, देख रहे हैं, बिल्कुल वर्क करने लगा। बस एक छोटा सा फ्यूज़ की वजह से ये खराब हो गया। अब इसका वोल्टेज चेक करेंगे, तो यहाँ पर डी सी मोड पर बिल्कुल ओके, 3 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। अब इसको यहाँ पर टॉर्च भी चेक करके आपको दिखाते हैं। तो अब ये चार्जिंग भी करेगा, बिल्कुल ओके हो गया है। तो यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल ओके दोस्तों। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे।